और आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से, जहां मंत्री तुलसी सिलावट ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। एमवाई अस्पताल में वो पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई। सीएम के बाद अब मंत्री ने भी वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है। ये आपको बता दें कि वैक्सीन से डरने और भय की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहना है मंत्री तुलसी सिलावट का। सभी से वैक्सीन लगवाने की उन्होंने अपील भी की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब दो टाइगर, शिव और ज्योति, एक साथ काम करेंगे। ये तुलसी सिलावट ने बड़ा बयान दिया है, टाइगर को लेकर ये बयान दिया गया है। अब दो टाइगर, शिव और ज्योति, एक साथ काम करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी कार्य योजना जल के संबंध में बनाई जा रही है, ये भी कहना है तुलसी सिलावट का। तो मंत्री तुलसी सिलावट भी एमवाई अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन करवाया, वैक्सीनेशन उन्होंने लिया है। और इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेंटर्स पर पहुँचें और वैक्सीनेशन लगवाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और कृषि मंत्री कमल पटेल आज कोविड 19 का टीका लगवाने खुशीलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। कोविड का टीका लगवाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, सभी पात्र लाभार्थियों को कोविड का टीका लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन की मदद से हम कोविड 19 को हराने में कामयाब होंगे। तो ये दो तस्वीरें खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल की, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी वैक्सीनेशन करवाया। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल दूसरी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी आज आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड का टीका लगाया। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, हमारे देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने देश में ही पहली बार, हमने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आगे निकले हैं और अपना देश का टीका बनाया है और लग रहा है उससे कोरोना जो विश्वव्यापी महामारी है उस पर हमने विजय प्राप्त की है और हमेशा के लिए कोरोना को खत्म करेंगे। और इसलिए देश के एक एक नागरिक को प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिए ही सबको लगाएंगे और ये देश आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया था मोदी जी ने, निश्चित रूप से कोरोना पे हमने विजय प्राप्त करेंगे और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। कमल पटेल जी अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, आप जिक्र भी कर रहे थे, तो इम्यूनिटी के लिए क्या मंत्र देंगे? देखिए, इम्यूनिटी के लिए मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। मैं शुरू से कहता हूँ कि मैं किसान हूँ, मैं कितने लोगों से मिला, हजारों लोगों से मिला हूँ, गले लगा हूँ। मेरे साथ तो कोरोना पॉजिटिव मेरी गाड़ी में दिन भर घूमते रहे, बैठे रहे, लेकिन हमने पसीना बहाया, इसलिए भगवान की भी कृपा रही, कोरोना नहीं हुआ। और कोरोना से सावधानी की भी आवश्यकता है, सुरक्षा भी रखना है, लेकिन ये जो टीकाकरण चल रहा है इसके बाद हमेशा के लिए कोरोना समाप्त होगा और हमारे देश की 130 करोड़ जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने युद्ध स्तर पर खुद ने मॉनिटरिंग करके और ये टीका ईजाद कराया है। हमारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ और इससे हमारे देश की 130 करोड़ जनता सुरक्षित होगी, हमेशा के लिए कोरोना खत्म होगा और कोरोना पर विजय प्राप्त की है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि, सबको बधाई। तो कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है कि कोविड का टीका सबको लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से ये सुरक्षित है और अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो तमाम सारे विकल्प आयुर्वेद में मौजूद हैं उनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल।